डॉक्टर हूँ क्योंकि मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में उसका नाम आता है। तो चलिए मिलाते हैं आज के हमारे डॉग ब्रीड और साथ में आपको डॉग का जो हमारा डॉग का कलेक्शन है इस वीक जो भी रहेगा वो आपको वीडियो का लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहें ताकि आपको जो भी डॉग का कलेक्शन है इस वीक रहने वाला वो सारा कुछ मिलेगा। नंबर कहाँ से मिला था आपको हमारा? आपको यूट्यूब पे आपका वीडियो देखे हुए। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे अभी कुछ डाइट से रिलेटेड बात हो जाती है कि डॉग को क्या देना चाहिए। जो भी हमारा जो डॉग जा रहा है वो 50 डेज के आसपास हो चुका है तो आगे उसको सीखने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चे अच्छे खासा सीखने शुरू कर देते। तो आज हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत डॉग ब्रीड है और साथ में उसके है ऑनर जो आज डॉग ब्रीड लेने के लिए आया है। वो अप्रोक्सीमेट हमारे वहाँ से 50 के आसपास होगा। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी राय और जो आज डॉग ब्रीड जा रहा है काफी खूबसूरत और काफी उनका उसके बारे में आप लोग काफी बेहतर तरीके से जानते हो क्योंकि मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में उसका नाम आता है। तो चलिए मिलाते हैं आज के हमारे डॉग ब्रीड और साथ में उनके ऑनर से। डॉग ब्रीड है, ये है जर्मन शेफर्ड का मेल फुल डबल कोट में और आप इसके कलर और क्वालिटी को बिल्कुल देख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक पहले स्टार्ट में डाल देंगे उसके बाद आगे मिलाते हैं आपको। तो ये है हमारा जर्मन शेफर्ड का मेल जो कि फुल डबल कोट में है और इसके कलर और क्वालिटी को आप देख सकते हैं, काफी बेहतरीन है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे कस्टमर से। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भाई हेलो, इधर है आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ से, एड्रेस क्या है आपका? हम लोग भगवानपुर हाजीपुर भगवानपुर। अच्छा, वो तो भगवानपुर मुजफ्फरपुर के नजदीक है ना? साबू मिष्ठान भंडार सुने होंगे। क्या साबू मिष्ठान भंडार? अच्छा, वो एनएच पे फेमस है। वापी का नहीं, वो हमारा नहीं बट मेरे एरिया का फेमस है। तो चलिए वो वहां से आए। तो भैया नंबर कहाँ से मिला था आपको हमारा? आपको यूट्यूब पे आपका वीडियो देखे हुए। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे जाना पड़ता है। यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपने तो नंबर वहीं से मिला? नंबर वहीं से। तो इनका प्रोग्राम चेंज हो रहा था, आज रॉटवाइलर भी लेने के लिए आए थे जर्मन शेफर्ड में, लेकिन फाइनली इनका बुक हुआ जर्मन शेफर्ड है ना। तो मेल का क्वालिटी जो आपने देखा वो कैसा लग रहा बच्चा आपका? कैसा मेल का जो क्वालिटी है बेस्ट है। रॉटवाइलर की क्वालिटी कैसा था? रॉटवाइलर की क्वालिटी दोनों बेस्ट है लेकिन अग्रेसिव होने के कारण जर्मन शेफर्ड है। और भाई आप लोग का कुछ डॉग के लिए क्वेरीज जैसे कि खान पान में क्या दिया जाना चाहिए या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा? आप लोगों ने पहले कभी डॉग पाला है? डॉग इससे पहले कुछ दिनों के लिए पाला है। कुछ दिनों के? कुछ दिनों के। तो पपीज का तो आइडिया नहीं होगा? पपीज का क्या खिलाते हैं नहीं खिलाते नहीं। तो चलिए अभी कुछ डाइट से रिलेटेड बात हो जाती है कि डॉग को क्या देना चाहिए। जो भी हमारा जो डॉग जा रहा है वो 50 डेज अप्रॉक्स है तो इस डॉग को क्या दिया जाता है खाने पीने में तो डिटेल के साथ बताते हैं थोड़ा। और आप लोग अगर कुछ बीच में कुछ रहे तो आप लोग रोक करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? हम ऐसे नॉर्मली आपको बता देते हैं। जैसे सबसे मेन चीज आपका है कचौड़ा, सबसे मेन चीज ये चाहिए आपको। तो ये इसलिए चाहिए कि खाना पीना डॉग का अलग से एक बाउल आप लेते हैं ना तो इसमें आपको मतलब ये दिक्कत नहीं होता कि डॉग इसको पलट सके। इसमें डॉग के लिए स्पेशल बाउल रखे जो डॉग का ही आता है। अगर घर का कटोरा यूज करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगी, डॉग ऐसा रखा पाया और सीधा पलटी तो गिर जाता है। खाना बहुत वेस्ट होता है तो खाना बर्बाद अगर नहीं करना चाहते तो डॉग का प्रॉपर बाउल खरीदिए। इसमें आपको मैं सुबह से बता रहा हूँ, सुबह जैसे 7-8 बजे तो उठ जाते होंगे तो जिस टाइम आप उठे उसके बाद इसमें डाल देना है आपको 2 कप पानी या छोटा वाला ग्लास से 1 ग्लास पानी डाल देना आपको। 1 ग्लास पानी डाल देंगे इसमें से आधा कप के आसपास डॉग फूड निकाल लेना है। आधा कप डॉग फूड निकाल करके इसमें डाल देंगे, 15-20 मिनट छोड़ देंगे आराम से, आधा घंटा के आसपास इसमें छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब थोड़ा फूल जाए हाथ से चेक कीजिएगा तो फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो हाथ से क्रश करके बस डॉग फूड दे देगा, हाथ से क्रश करके दे दीजिएगा, आराम से मिक्स कर दीजिएगा पानी को। यानी कि अलग अलग रहेगा तो फिर वो दूध ले लेगा या कभी पानी ले लेगा। उसके बाद ही आपका सुबह का मेल खत्म होगा। दोपहर का जब देंगे तो दही के साथ डॉग फूड देंगे, दही मिला लीजिएगा उसमें डॉग फूड में, पानी में फुला हुआ फुला के छोड़ देंगे, उसके ऊपर से थोड़ा दही मिला करके दे देंगे। दोपहर का मेल खत्म हो गया। शाम के टाइम में एज ए स्नैक्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसे पनीर, छेना, अंडा, ये सब कुछ भी अगर आप वेजिटेरियन है
तो फिर दिक्कत है नहीं है तो फिर वेजिटेरियन है नहीं है वेजिटेरियन नहीं वेजिटेरियन नहीं है तो एग्स भी यूज कर सकते हैं पनीर भी यूज कर सकते हैं छेना भी आपको मिल जाता है तो इसमें वो शाम के टाइम एज अ स्नैक्स आप थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में कुछ भी ट्राई करा सकते हैं कभी बिस्किट हो गया तो कभी छेना खिला लिया आपने कभी अंडा हो गया मुझे ऐसे नहीं अंडा मतलब पाँच छह कलर अंडा वो भी एक बाइट देंगे ये वाला जो फटा के अपने आप खिलाते हैं तो शाम में जैसे आपने सुबह खिलाया एकदम शाम में सेम होगा कोई डिफरेंस नहीं रखे उसमें कोई अंतर नहीं होगा भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शाम में बहुत ज्यादा दे दिया सुबह में लेकिन जैसे सुबह में थोड़ा डाइट देते हैं तो दोपहर का डाइट में थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं लेकिन जो शाम का डाइट होगा उसमें बिल्कुल सुबह के बराबर होना चाहिए कुछ भी ज्यादा बढ़ा के क्योंकि रात में भी बहुत ज्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और जब भी खाना खिलाए उसके बाद पांच मिनट के बाद बाहर लेकर चले जाए जहां भी आपको पॉटी कराने का मन हो उससे क्या होता है कि डॉग को पॉटी करने का जो समस्या है घर के अंदर वो दूर हो जाता है वो आराम से आप बाहर जाके कराएंगे तो बाहर ऑटोमेटिक वो करने का आदत लग जाएगा हो सकता है फर्स्ट डे आप ले जाए नहीं करें दूसरा दिन ले जाए नहीं करें लेकिन वो धीरे धीरे आदत बन जाएगा जब आप इन अभी ट्राई करते किसी भी टाइम खिलाने के बाद और एक बार ऐसे भी वॉच करना है कि उसके अलावा कब पॉटी करता है उसमें भी ध्यान रखेंगे तो फिर कंटिन्यू रहेगा फिर तुरंत सीख भी जाता है क्योंकि बच्चा 50 डेज के आसपास हो चुका है तो आगे उसको सीखने में बहुत कम समय लगेगा क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चे अच्छे खासा सीखने शुरू कर देते हैं उसके बाद इनको दिया जा रहा है कुछ मेडिसिन वगैरह जिसमें ये मेडिसिन है ऐसे तो मेडिसिन बहुत सारे होते हैं अभी फिलहाल मैं इनको यही दे रहा हूँ एक इम्यून वाला ये आपका सबसे मेन दवा है अगर आप लोग भी अगर कोई पप्पीज ऑन करते हैं तो आपको ये रखना बिल्कुल जरूरी है ये पप्पी का इम्यून सिस्टम बनाए रखता है इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा आपका बीमार होगा ही नहीं ये अगर दवा आप रेगुलर रखते हैं तो ये दवा आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये इसमें बच्चे को बीमार होने की क्षमता कम होती है और बीमार नहीं होने देता दूसरा आपका लिवर टॉनिक है जो कि लिवर को स्ट्रांग रखेगा मल्टी विटामिन है जो खाने से आपका न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है वो इसके थ्रू मिल जाता है इसलिए आप ये तीन दवा रखेंगे देने का तरीका सुबह में एट मॉर्निंग जब खाना आपने खिला लिया है उसके बाद तीनों में से एक एक एमएल निकाल के दे देंगे ये दोनों में से दो दो एमएल देना इसमें से एक एमएल देना ठीक है उसके बाद ये पेट का कीड़ा का दवा है जो कि दूसरे तीसरे दिन बाद ट्राई कर सकते हैं तीसरे दिन बाद आपको देना कैसे है सुबह जब आप उठे हैं उसी समय इसको निकाल करके जितना केजी उसका होगा और केजी एक एमएल पड़ता है अगर वो 2 किलो का है तो 2 एमएल 5 किलो का तो 5 एमएल 10 किलो का 2 एमएल जितना केजी का होगा उतना एमएल इसमें से निकाल करके दे देना और अगले 15 दिन के बाद रिपीट करना है रिपीटेशन जो होगा अगले 15 डेज के बाद होगा ये होगा ये कैल्शियम बोन है दोपहर में दे सकते हैं आप आराम से ताकि उसमें लगा रहे आपके जूते और सोफे पर ना ट्राई करें इसके लिए आपको एक कैल्शियम बोन हो गया इसमें कैल्शियम भी उसको मिल जाता है और अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है और दिन भर लगा भी रहेगा इसमें एक ही पीस दीजिएगा बहुत ज्यादा मत दीजिएगा वो दिक्कत करता है भाई हाँ। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई आप लोग को अगर हमारे चैनल के बारे में या यहाँ के बारे में कुछ भी बताना है हमारे व्यूवर्स को अपने साइड के तो अपने साइड से एक बार आए और जरूर ट्राई करें यहाँ का रेट भी सही है और बहुत तरीके के डॉग्स ब्रीड यहाँ पे अवेलेबल है तो आप एक बार यहाँ आके जरूर चेक करें चलिए धन्यवाद वीडियो में एक समाप्त I'm not afraid of the dark.
just us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.